जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों दोस्तों, सावन का मौसम चल रहा है तो सभी हिंदू भाइयों को हमारी तरफ से सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म को अपनाया था तो उन्होंने ये बात कही थी कि मैं हिंदुओं के किसी भी देवी देवताओं की पूजा पाठ नहीं करूँगा और ना ही कभी उनको मानूंगा, क्योंकि जब मेरा समाज मुसीबत में था तब वे सभी देवी देवताएं कहाँ थे। यदि भगवान सबके हैं तो हम नीची जाति यानी अछूतों को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति क्यों नहीं है। दोस्तों, बाबा साहब महार जाति से थे जिसे अछूत समझा जाता था। दोस्तों, अंबेडकर ने यह भी कहा था कि कोई भी चमार या महार और अन्य अछूत जाति के लोग इस सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ ना करें, कोई भी काम ना करें। चमारों, ये तुम अछूतों का भगवान नहीं है। दोस्तों, क्योंकि बाबा साहब ने ये बात उस समय कही थी जब अंबेडकर को एक मंदिर में जाने से रोका गया था। दोस्तों, जो लोग आज के समय में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, चाहे वो चमार हो या और अन्य जाति के, तो दोस्तों वो आज के समय में भी कावड़ लेने नहीं जाते और ना ही किसी मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं और ना कभी किसी देवी देवता की पूजा करते हैं। वे सिर्फ गुरु रविदास और भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, क्योंकि दोस्तों उन लोगों को पता है कि उनको अछूतों की जिंदगी की गुलामी से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आज़ादी दिलाई थी, ना कि किसी भगवान ने। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जय भीम साथियों।